सूबे की योगी सरकार जल्द ही बिजली की दरों में भारी बढ़ोतरी करने जा रही है। वहीं बिजली की बढ़ने वाली दरों के खिलाफ फतेहपुर में कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें आने वाले वक्त में बिजली की बढ़ी हुई कीमतें आम जनता के लिए मुसीबत का सबक बनने वाली है। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की माने तो बिजली की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से किसानों को बिजली महंगी मिलेगी। उन्होंने बताया कि जब से यूपी में बीजेपी की सरकार आई है, करीब 250% तक बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है और सरकार निजी कंपनियों से बिजली खरीद रही है, जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। ये धरना प्रदेश व्यापी है। प्रदेश सरकार बिजली के दामों में भारी बढ़ोतरी कर रही है और साथ ही साथ पिछली बार 2 साल पहले ये 2017 में 250% बिजली की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन सरकार कहती घाटा है। वास्तव में ये है कि वो प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनसे बिजली ले रही है और सरकारी जो संस्थान है उससे बिजली नहीं ली जा रही है। इस तरीके से ये सरकार प्राइवेट जो बिजली के जो धंधे हैं उनको बढ़ा रही है और जो सरकारी है उनको बर्बाद कर रही है और जो सामने इसका जो विरोध करते हैं। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बेतहाशा जो बिजली बढ़ रही है जिसके दामों में बढ़ोतरी कर रहे हैं उसके खिलाफ जो है हम लोग पूरा प्रदेश में आंदोलन चला रहे हैं। अच्छा, एक दिवसीय नहीं, एक दिवसीय। अच्छा अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं? बिजली की दरों में जो है बेतहाशा जो वृद्धि सरकार कर रही है या किया है उसको वापस लें और भविष्य में